और ये उठा के खेल दिया फील्डर मौजूद और ये सिक्सर। भाई आज तो माहिर छा गए हैं, पूरा माहिर है छक्का मारने में। और इसे बोलते हैं माही मार रहा है। माहिर एक दीवार है जो अपनी जगह से हटते नहीं और छक्का मारने से जावेद छुड़ते। जावेद का लास्ट बॉल है ये, ओवर का लास्ट बॉल। जावेद मुल्ला का ये बॉल बहुत महंगा पड़ा। और ये और एक उठा के खेल दिया फील्डर नीचे और ये सिक्सर। बढ़िया सिक्सर, 18 तीन बॉल तीन सिक्स। इसमें सिक्सर का हम लोग बचपन में खेलते थे, उसे हैट्रिक बोलते थे। बॉलिंग की हैट्रिक होती है, कभी सिक्सर की नहीं होती, पर बचपन से हम इसे भी हैट्रिक बोलते हैं। हम इसमें भी खुश रहना चाहेंगे। और पांच ओवर के बाद स्कोर हुआ है 62-42। जावेद मुल्ला का ये बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ, उसमें तीन सिक्सर चले गए जो कि एकदम ही मैच का रुख ही बदल दिया गया। यहाँ पे पावर प्ले आया है, बैटिंग पावर प्ले, अंपायर का इशारा। मैं सबको बता दूं कि लिंक चेंज हो चुकी है, जो लाइव दिखाया जाएगा नई लिंक बीपीएल ग्रुप में आ रही है, क्योंकि और आपको क्लियर दिखाना चाहते हैं हम लोग, इसके वजह से लिंक चेंज करके और अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि ये सिक्स जो माही के है वो आपको एकदम क्लियर दिखने चाहिए, और शायद विकेट भी गिर जाए तो वो भी क्लियर दिखनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं हम लोग, तो लिंक चेंज हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा पांच ओवर के बाद स्कोर हुआ है 62 दो विकेट के नुकसान पे। अभी नए बॉलर आए हैं प्रेम यादव, जैसे कि आपने देखा जावेद मुल्ला बहुत ही महंगे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने शायद 18-20 रन दे दिए अपने ओवर में। दूसरी लिंक आ गई है, ये पावर प्ले है, सेकंड लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग। प्रेम जावद बॉलर है, प्रेम जावद अपनी फील्ड लगाते हुए थोड़ा सा परिवर्तन। सॉरी प्रेम जादव, ओ बढ़िया विकेट के पीछे जोरदार अपील। पीच पे नहीं आई है पेशवा, प्लीज पीच पे नहीं आई है। बहुत जोरदार अपील थी, एम्पायर जरा सोच रहे हैं और एम्पायर का फैसला आखिरी फैसला अंपायर को दबाव पे लाते हुए, पर अंपायर डटे रहे। और ये बड़ा सिक्सर फिर से एक बार शानदार सिक्सर। भाई मान गए, बहुत ही बढ़िया बैटिंग दोनों के बीच में, बहुत ही बढ़िया तालमेल। और मैं बता दूं हमको इनकी पार्टनरशिप कितनी पार्टनरशिप चल रही है, थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, बड़ी पार्टनरशिप है इसीलिए। सॉरी ओ थोड़ी सी मिसफील्ड और एक रन चुरा लिया। दोनों फील्डर बॉल को पकड़ते पकड़ते गिर पड़े, स्लिप हो गए, बट एनीवे नो प्रॉब्लम, हिम्मत है मर्दान। सारे ग्रुप में लिंक भेज दीजिए प्लीज, नई लिंक, सब लोग लाइव देखना चाहेंगे। अभी तक तीन बॉल हुए हैं ये पावर प्ले के, लास्ट तीन बॉल बाकी है। फिर से एक बार प्रेम यादव, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और प्रेम यादव और अंपायर का आउट का इशारा। यहाँ पे कॉलिंग गलत, माही का विकेट चटका लिया गया उनके, बहुत ही एक बढ़िया स्कोर। स्कोर क्या हुआ भाई? स्कोर हुआ है 69-42 सॉरी अभी तीसरी विकेट चली गई है। पांच ओवर चार बॉल, ये मनीष का बहुत ही अच्छा थ्रो, शायद बचपन में कंचे खेलते थे, बढ़िया थ्रो मनीष का। 69 रन हुए हैं, तीसरा विकेट खोके
बॉल बॉल क्लीन बॉल। इस मैच का पहला क्लीन बॉल बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। बॉलिंग में जो परिवर्तन लाए हैं कुछ सोच समझ कर लाए थे, दो विकेट झटका लिए। इस बॉलिंग में प्रेम यादव ने बड़े प्रेम से दो विकेट ले लिए। बढ़िया बढ़िया विकेट। लास्ट बॉल बाकी है, लास्ट बॉल पावर प्ले का बाकी है, ये छठवीं ओवर का लास्ट बॉल। नए बैट्समैन है रोशन। भाई दर्शक प्रेम से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि हैट्रिक लें। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया शानदार वाइड का इशारा यहां पे अंपायर का। मैं बेदी जी करेक्ट करना चाहूंगा, ये हैट्रिक नहीं हो सकती क्योंकि वो रन आउट था। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और ये सिक्सर। पार प्ले का पूरा स्वाद उठाते हुए रोशन, हमारे चैलेंजर का भी नाम रोशन करते हुए प्लेयर रोशन। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारे हटकर साहब सिक्सर को बहुत लंबा खींच लेते हैं। मैं चाहता हूं मैच भी बड़ी लंबी चले, हटकर खींच लेते हैं। बेदी साहब मैं चाहता हूं हर एक मैच लंबी खींची जाए, लंबा स्कोर रहे ताकि दर्शकों को बहुत मजा आए। लेकिन रात की ट्रेन पकड़नी है, ये याद रखना। पंकज सालवी, कुछ ऐसा पंकज उदास की याद आ गई। पंकज उदास बहुत ही बड़े गजल गाने में बहुत मशहूर थे, तो यहाँ आए हैं पंकज सालवी। बेदी साहब मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ओवर बाकी है ये इनिंग का। स्कोर हुआ है 76 चार विकेट के नुकसान पे, 6 ओवर हो चुके हैं। और ये उठा के खेला है गैप में, लेकिन फील्डर भागते हुए मौजूद, सेकंड के लिए भाग चुके। बहुत ही अच्छी रनिंग यहाँ पे, फील्डिंग के साथ रनिंग, अच्छा क्रिकेट तालमेल यहाँ पे नजर आ रहा है। भाई बहुत ही बढ़िया, नीचे से कमेंट्स आई है सैमसन की। मैंने पंकज उदास का नाम लिया, बोलते अच्छा हुआ अनूप जलोटा का नाम याद नहीं आया। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और ये स्ट्रेट बाउंड्री, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक गौरव का। गैप में खेल दिया, फील्डर को कोई मौका नहीं। मैं बताना चाहूंगा ये इनिंग की लास्ट चार बॉल बाकी है और अभी तक स्कोर हुआ है 82। तीसरी बॉल पंकज की। अरे क्या बात है, पंकज ने और एक विकेट झटक लिया। हमारे हटकर साहब की क्या बात है, चुप ही हो गए यार, कुछ बोलो। बेदी साहब छक्के पे लंबा खींचते हो। बेदी साहब हमेशा चुप कराते हैं, हमें बात ही नहीं करने देते। बहुत ही अच्छा विकेट यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बैट्समैन जो 20 रन पे गया, निजी स्कोर 20 था और जो माही गए थे उन्होंने अपना निजी स्कोर 44 रन बनाया था। क्या बात है। और लास्ट कुछ बॉल, तीन बॉल खेलने के लिए कप्तान वाजिद शेख यहाँ पे आए हुए हैं, पर स्ट्राइक पे है रोशन, जो नाम करेंगे रोशन। रोशन स्ट्राइक में और दूसरे बल्लेबाज गैप में खेल दिया है, फील्डर को कोई मौका नहीं और ये चौका, बहुत ही अच्छी गैप निकाली है। ये चौके के साथ स्कोर हुआ है 86। बहुत ही धीमी गति से बॉल आ रहा था स्टेडियम की तरफ, लेकिन चौका हो ही गया। सेकेंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, सेकेंड लास्ट बॉल, लास्ट दो गेंदे बाकी है मैच के और ये कट किया है, लेकिन एक रन चुराने से कोई रोक नहीं सकता चैलेंजर्स को। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे पेशवा की,
लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, कप्तान लास्ट बॉल फेस करेंगे। पंकज की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, मिस्टर पंकज। और ये अच्छा स्ट्रोक, मिस फील्ड, सेकंड के लिए भागते हुए बैट्समैन गिरते हुए, पिच बड़ा स्लिपरी, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं हटकर आउट का, आप ही बताइए, खत्म हो गया। यहां पे रन आउट हो चुके हैं वाजिद शेख कप्तान। स्कोर हुआ है, हाँ, 80। फाइनल स्कोर हुआ है 88 for 5 आफ्टर 7 ओवर्स। पेशवा जल्दी आ जाइए, अपने दोनों बैट्समैन जल्दी उतारिए, काफी मैचेस खेलना बाकी है, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट मैच बाफना वॉरियर्स और पीएच पैंथर के कैप्टन आ जाइए। बाफना वॉरियर्स और पीएच पैंथर्स दोनों कैप्टन, आई रिक्वेस्ट। मैं एक बार फिर से बता दूं, 88 रन 6 आउट 7 ओवर की समाप्ति पे, 88 रन जो कि बहुत पहाड़ जैसा स्कोर है। आई रिक्वेस्ट आदित्य सर टू डू द टॉस। आदित्य सर आई रिक्वेस्ट टू डू द टॉस। द नेक्स्ट मैच बिटवीन पैंथर्स एंड वॉरियर्स, अमित कैप्टन वॉरियर्स के, राहुल कैप्टन पैंथर्स के। आदित्य सर टॉस करना है, समीर प्लीज हेल्प विद द कॉइन। जिग्ना मैडम अपना लक देते हुए वॉरियर्स को, गोंदिया सर भी वहां पहुंच चुके हैं। क्रूशियल टॉस, टॉस का रिजल्ट देखना है। आदित्य साहब ने टॉस उड़ाई और पैंथर वन द टॉस एंड चॉइस फॉर फील्डिंग, फील्डिंग लिए। चैलेंजर्स फील्ड जमा लीजिए जल्दी, चैलेंजर्स गो ऑन द फील्ड। पेशवा आपने दोनों पेशवाओं को आगे भेजो तलवार लेते हुए। पेशवा, पेशवा अपने तलवारों को धार करते हुए, बैट को ग्रिप जमाते हुए, तलवारों को धार करते हुए पेशवा, दोनों पेशवा आ रहे हैं आगे, देखते हैं ओपनर्स कौन है। एक पेशवा का ऊपर आ जाइए प्लेयर। सेवा चैलेंजर्स का फिर से एक बार स्कोर याद करा दूं आपको, 88 रन 6 आउट होने पे 7 ओवर की समाप्ति पे बहुत ही बढ़िया रन बना दिया उन्होंने, रन रेट शायद ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है पूना पेशवा को, पर बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा, 4 ओवर तो जम के रहना पड़ेगा, 4 ओवर उनको मैदान में जम के रहना पड़ेगा। स्कोर अंपायर दूसरा बॉल दे दीजिए, दूसरा बॉल। ए उमेश, उमेश हम दूसरे अंपायर का नाम लेके आइए, माफ कीजिए दूसरे अंपायर का, हमें नाम नहीं मालूम। उमेश जी प्लीज दूसरे अंपायर का नाम बताइए। कम ऑन पूना वॉरियर्स, पूना पेशवाज, पेशवांचा आवाज। चैलेंजर्स अपनी फील्ड जमाते हुए, बाफना वॉरियर्स सब लोग बिजी है। मैं सब प्लेयर्स को बताऊंगा, कोई भी साइड स्क्रीन जो पीछे बैटिंग के पीछे जो आती है साइड स्क्रीन, उस वहां पे ना खड़े रहिए, बैट्समैन को तकलीफ होती है, अंपायर का कहना है। थोड़ा वॉरियर्स वहां से टीम जल्दी हट जाइए प्लीज, अंपायर मैच नहीं चालू कर पा रहे हैं। पूना पेशवा के लिए अर्जुन साहब ने यहां से बहुत ही बधाइयां भेजी हैं आप सबको, और बहुत मोटिवेट किया है और बहुत उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि अर्जुन साहब पूना में खुद जाते हैं, खुद बिजनेस देखते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज जोरदार खेलना चाहिए पूना पेशवा को। मैच स्टार्ट होने के लिए स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी, साइड स्क्रीन जल्दी कीजिए। वॉरियर्स अमित टीम जल्दी लेके जा, वहां पे मत खड़े रहो। सैयद साहब और मोहसिन साहब दोनों हमारे अंपायर के लिए तालियां प्लीज, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए सबने तालियां देनी है। फर्स्ट बॉल टू गो, प्रेम
प्रेम ये पहला ही व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल प्रेम यादव स्ट्राइक में थे। ये 22 का इशारा यहाँ पे, केशव बॉलिंग कर रहे हैं और प्रेम यादव और जावेद दोनों बल्लेबाज। बढ़िया फील्डिंग, जोरदार अपील, वाइड, वाइड का इशारा अंपायर पे प्रेशर डालते हुए। पिच पे नहीं भागी है, कोई पिच पे भागेगा नहीं। अंपायर को प्रेशर ना करिए। अंपायर क्या डिसीजन था लास्ट, जरा अंतिम अंपायर, अंतिम डिसीजन वाइड का दिया है अंपायर ने। अभी तक सिर्फ एक बॉल हुआ है, 3 रन आए हैं, पावर प्ले चालू है, पहले 2 ओवर पावर प्ले रहता है। केशव बॉलिंग करते हुए, बढ़िया शॉट, ये डॉट बॉल, ये जावेद का डॉट बॉल। स्ट्राइक में जावेद और केशव बॉलिंग करते हुए, बहुत ही बढ़िया स्टाइल है उनका बॉलिंग करने का, आप देखिए। ये रिवर्स स्वीप घुमाने की कोशिश में, हर एक डॉट बॉल प्रेशर लाएगा क्योंकि ये पार प्ले है, 3 बॉल हो चुके अभी तक। और ये बहुत ही अच्छी चिक्की रन हासिल किया दौड़ के। बिदी जी, ये पहला बॉल है जो बैट को लगा है, अभी तक जो 3 रन आए थे 2 वाइड से और 1 22 से थे, ये पहला रन पेशवा ने हासिल किया है अपने तलवार से। समझ सकता हूँ, जरा थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। ये फॉरवर्ड आके शॉट मारा और ये बहुत ही बढ़िया शॉट और दौड़कर 1 रन लिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे और बहुत ही अच्छा रन चुरा के लिया है। बेदी सर हमेशा बोलते हैं इसे चिक्की रन। भाई पता नहीं, हमारे जमाने में तो इसको चिक्की रन ही बोला जाता था, आजकल थोड़े रूल चेंज हो गए। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, 5 रन आए अभी तक। और बॉल लगी नहीं, बल्ला हवा में घुमा दिया। पर आपने देखा है ये स्टंप्स के पीछे जो दीवार है, वहां से बॉल तो जा ही नहीं पा रहा पीछे, क्योंकि आदित्य सर जो है वो बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हैं। 1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 5 बिना कोई नुकसान पे। और मैं आपको जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया टारगेट बताना चाहूंगा, 89 रन जीतने के लिए चाहिए। चैलेंजर्स ने 88 रन बनाए थे, जिसमें सबसे अच्छे रन बनाए वो है महेश, जिसने 44 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे, exactly, 4 छक्के, सॉरी एग्जैक्टली आधे रन उनके हैं, 88 में से 44 रन, 88 में से 50% स्कोर उनका है 44। ये होती है मैथमेटिक्स बेदी सर की। रोशन अगली ओवर लाते हुए, देखते चैलेंजर्स का नाम रोशन कर पाते हैं या नहीं। प्रेम स्ट्राइक में, प्रेम से खेल रहे हैं जो। और ये बढ़िया आदित्य बापना दौड़ते और ये लपक लिया है कैच, बड़ी प्रेम से लपका कैच प्रेम का। भाई अभी तो प्रेम चोपड़ा का काम कर दिया उन्होंने। ये कुणाल रुमाले ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। ये पार प्ले चालू है, दूसरे ओवर का 1 रन, 1 बॉल हो चुका है। अटकर मैं बता दूं, तवा गर्म हो चुका है, अभी देखना है अगली बॉलिंग में क्या होता है। हमें लगा तवा गर्म हो चुका है, देखते हैं कौन सेकते हैं रोटी या।
नए बल्लेबाज सोहिल। रोशन ने पहले ही वो बॉल में अपना चैलेंजर्स का नाम रोशन किया है। ये पार प्ले चालू है, एक ओवर एक बॉल हो चुका है। सोहेल तंबोली ने बहुत ही बढ़िया शानदार एक कैच पकड़ा था भाग के, मैं याद करा दूं अभी सोहेल स्ट्राइक पे है। अच्छा स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, शायद अच्छी फील्डिंग, चौका रोक लिया गया, दो दो फील्डर मौजूद ग्राउंड में। दो रन लिए है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक सोहिल के बल्ले से। रोशन के दूसरे बॉल पे पार प्ले अभी तक है। और ही अच्छा हवा में और फिर से लपक लिया है कुणाल ने, फिर से एक बार कैच सोहिल का कैच। सोहिल समझ नहीं पा रहे क्या हो गया। पूना पेशवा बहुत संकट में और उन्हें जमकर खेलना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ जैसा स्कोर बना है, 88 रन, दो विकेट उन्होंने अब तक खो दिए हैं और आपका स्कोर हुआ है 7 रन, दो विकेट के नुकसान पे। एक ओवर तीन बॉल हो चुके हैं, एक ओवर तीन बॉल 7 रन। रोशन ने तीन बॉल में दो विकेट लिए हैं। अभी नए बैट्समैन आए हैं तेजस, इनको थोड़ा तेजी में रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि रन बहुत चाहिए इधर। तेजस तेजी से रन बनाने की संभावना रखते हैं। पेशवा का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जरा, लेग बाई का इशारा अंपायर का कम दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रास के खाते में जाएगा, तेजस के खाते में नहीं जाएगा। बहुत देर के बाद जावेद आए हैं स्ट्राइक पे। ये पांचवी बॉल, वाइड का इशारा यहां पे अंपायर का। ये वाइड के साथ टोटल स्कोर हुआ है 9 runs, पांचवी गेंद। बढ़िया शॉट लेकिन हल्का जोर नहीं था शॉट में, दौड़कर एक रन लिया, एक रन लेने में कामयाब। भाई ऐसे हल्के हल्के शॉट लगेंगे तो 88 स्कोर तक आप चेस नहीं कर पाएंगे, छक्के चौके निकले थोड़े बैट से। बेदी जी पिक्चर अभी बाकी है, लास्ट बॉल ये पार प्ले का। तो बीट कर दिया है यहाँ पे अपने लास्ट बॉल पे। दो ओवर के समाप्ति पे स्कोर हुआ है 10 रन, दो विकेट के नुकसान पे। दो ओवर 10 रन और शायद दो विकेट यहाँ पे कंपलसरी पार प्ले खत्म हो चुका है। दो ओवर के बाद स्कोर हुआ है 10 रन, दो विकेट के नुकसान पे। और मैं टारगेट बताना चाहूंगा जो हमें लेट ज्वाइन किए उनको, टारगेट है 89 रन्स का। हाँ अंपायर, हटकर आपको क्या लगता बॉलिंग है? ये बॉलिंग पार प्ले आ गया है बेदी जी, अंपायर का इशारा बॉलिंग पार प्ले का। पार प्ले है, आपको क्या लग रहा है ये मैच किस तरफ रुक, कहां है ये मैच का? कुछ भी हो सकता है, पेशवा जो डेब्यू कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बॉलिंग पार प्ले है, बॉलिंग पार प्ले में तीन फील्डर बाहर रह सकते हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा सबको। क्रिकेट में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता आखिरी बॉल तक, ये क्रिकेट, इसीलिए तो इसका नाम क्रिकेट है, क्रिकेट। सचिन सोनाव ने नए बॉलर पार प्ले लेके आए हैं। अरे बढ़िया शॉट और ये कैच था, दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे और चौका रोक लिया गया, अच्छी फील्डिंग और दौड़कर 2 रन हासिल हुए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, गैप में खेल लिया 2 रन जावेद ने। पहला बॉल सचिन सोनौने का जो पार प्ले का था। अरे क्या बढ़िया उन्होंने, ओ ये बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया कैच,
रोशन हर जगह रोशन करते हुए नाम अपने चैलेंजर बहुत ही आसान कैच, इसे कहते हैं होम डिलीवरी, इसे कहते हैं होम डिलीवरी, होम डिलीवरी। ये उबेर और स्विगी की नहीं थी, ये चैलेंजर्स की होम डिलीवरी थी। पर आपने देखा रहेगा बहुत ही टैक्टफुल शॉट था जावेद का, पर वो टैक्ट शायद बॉलर का पेस ज्यादा यूज नहीं कर पाए, नहीं तो वो फील्डर के ऊपर से जाता था तो चौका जरूर रहता था। टैक्टफुल था लेकिन उसमें जोर नहीं था, नहीं तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाता था। बॉल स्लो थी, धीमी बॉल के ऊपर टैक्ट खेला लेकिन कैच पकड़े गए। नए बैट्समैन राहुल, तेजस स्ट्राइक पे उठा के खेल लिया है और ये दो रन आसानी से ले लिया, दो रन तेजस से, तेजस के बल्ले से दो रन निकलते हुए। अच्छा शॉट मारा था और दम रहता था तो शायद सिक्सर रहता था। तीन बॉल हो चुके हैं पार प्ले के, बढ़िया शॉट है और ये शायद बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बचा लिया गया, चौका बचा लिया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा ये वही कुणाल रुमाले है जिन्होंने दो कैच पकड़े और अच्छी फील्डिंग की है। तीन रन दौड़कर ले लिए फिर भी ठीक है, काबिले तारीफ। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे। लास्ट बॉल ये पार प्ले का बाकी है, लास्ट बॉल। फील्डिंग आदित्य बाफना हो तो दीवार है स्टंप के पीछे, हो ही नहीं सकता कि उनके हाथों से कोई बॉल छूट जाए। सही बोले, ओ बढ़िया शॉट थी लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, एक रन दौड़कर मिला लेकिन एक रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे पेशवा की। ये राइडर्स दरखास्त है वहां से हट जाइए, बैट्समैन को तकलीफ होती है, राइडर्स वहां पे प्रैक्टिस ना कीजिए राइडर्स। राइडर्स मुन्ना जी थोड़ा वहां से प्रैक्टिस ना करिए, राइडर्स वहां से हट जाइए, बैटिंग को प्रॉब्लम होता है बैट्समैन को। मैं तीन ओवर के बाद स्कोर हुआ है 18 तीन विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले खत्म हो चुका है, बॉलिंग पावर प्ले अभी तक दो पावर प्ले हो चुके, कंपलसरी पावर प्ले फर्स्ट टू ओवर्स एंड आफ्टरवर्ड्स द बॉलिंग पावर प्ले ऑफ वन ओवर। नाउ द स्कोर इज 18 रन तीन विकेट के नुकसान पे। नए बॉलर आए हैं कुणाल रुमाले जिन्होंने दो कैच और एक रन अभी बाउंड्री लाइन पे बचाया था काफी अच्छी तरह। मिस हो चुके हैं, मैं देख रहा हूं कि आदित्य बाफना हर बॉल के पीछे भागते हैं और कोशिश करते हैं कि रन नहीं दिया जाए। ये ओवर थ्रो तो इसी के ऊपर आदित्य बाफना के लिए एक छोटी सी मैं शायरी बोलूंगा, झुकते हैं पर्वत भी कभी कहीं कहीं, झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, अरे रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। क्या बात है, क्या बात है बेदी सर, आप भी अभी जवान हो। सरदार हमेशा जवान रहते हैं मरते दम तक, शेर कभी बुड्ढा नहीं होता है, शेर और सरदार एक ही है, ना शेर कभी बुड्ढा हुआ ना सरदार कभी बुड्ढा हुआ। और इसीलिए शेर घास के पास जाता नहीं, ग्राउंड में उतरता नहीं, काउंट्री बॉक्स पे ही रहता है, शेर घास नहीं खाता है। शेर अपना शिकार मारकर खुद खाता है, शेर घास नहीं खाता है। मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि हम स्टेडियम में कुणाल रुमाले की दूसरी बॉल कुछ हंपायर, दोनों हंपायर में कुछ कठिनाई,
अंपायर कुछ मदद चाहिए कमेंट्री बॉक्स स्कोर बॉक्स से, अंपायर स्कोर बॉक्स से कुछ मदद चाहिए। ओके ठीक है, मैच चालू हो रहा है, दूसरा बॉल डालेंगे चौथी ओवर का। ओहो, बच गए। ये गौरव का बहुत ही जोरदार थ्रो जो कुणाल कलेक्ट नहीं कर पाए और विकेट नहीं चटका पाए। राहुल अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से राहुल को कोई नहीं रोक सकता। राहुल का पूरा नाम है राहुल द्विवेदी, राहुल द्रविड की भी याद आती है राहुल द्विवेदी की वजह से। अभी स्ट्राइक पे है तेजस, तीन बॉल हो चुके हैं, तीन ओवर तीन बॉल, स्कोर हुआ है 21। यहां रन रेट थोड़ा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, हर एक डॉट बॉल प्रेशर लाएगा पेशवा पे। ये कैच ड्रॉप हुआ, बहुत ही लेकिन एक रन लग रहे हैं बैट्समैन, एक रन चुरा लिया लेकिन तेजस ने। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर उठा के खेल दिया है और ये शायद इजी ड्रॉप, ये होम डिलीवरी नहीं हुई लगता है बराबर। ये मैं एक अच्छी सी और एक फरमाइश आई थी कि आदित्य बाफना जी के लिए कुछ थोड़ा सा शेर बोला जाए, एक अच्छा सा स्कोर बोलने, ये स्कोर बोलने के बाद ओवर खत्म हो गई है बेदी जी। ये चार ओवर के बाद स्कोर हुआ है 23 पे तीर, तीन विकेट खोए हैं चार ओवर के बाद, बेदी जी शेर। या आदित्य बाफना जी के लिए फिर एक दूसरा शेर अर्ज है, पान को चबाने से, दही को मसने से, सोने को पीटने से उसके गुण बढ़ते हैं कम नहीं होते। क्या बात है बेदी जी, क्या बात है। मैं बताना चाहूंगा पेशवा को 18 बॉल में 66 रन्स निकालने हैं, 22 का कुछ तभी रन रेट आ रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट है 22 का। और अगले गेंदबाज मनोज स्ट्राइक पे है, राहुल अंपायर बैटिंग पावर प्ले आ चुका है, अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले पांचवी ओवर में मनोज फेस करेंगे पावर प्ले, मनोज की ओवर। ये जो सचिन ने कैच छोड़ा शायद सूरज उनके आंखों पे आया शायद, पर जो भी है यही कैचेस जीतना, कैचेस लेंगे तो ही जीत पाएंगे। पेशवा को एक बलिदान मिला है, पेशवा ने इसका सुनहरा अवसर उठा के। हटकर जी इतना भी डिस्काउंट मत दो यार, सूरज तो सुबह से निकला हुआ है। अच्छी फील्डिंग और अच्छी विकेट, ये वाजिद का अच्छा थ्रो, कप्तान ने रन आउट करवा दिया राहुल को। पार प्ले के पहले ही गेंद में रन आउट हो गए। बॉलर मनोज और अभी नवे बैट्समैन आए हैं महेश और तेजस, तेजस स्ट्राइक पे, तेजस टिके हुए हैं लेकिन पार्टनरशिप टूटती जा रही है बार बार। यहाँ पे अंपायर का तेजस स्ट्राइक पे और ये मनोज बॉल फेंकेंगे तेजस को।
बहुत ही अच्छी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं तेजस। डॉट बॉल। जितने जितने हाइट के कम है उतने ही शानदार बॉलर हैं। मूर्ति लहान कीर्ति महान इसे बोला जाता है बेदी सर। अच्छा और ये अच्छा स्ट्रोक शॉट और ये छोटा कैच ड्रॉप कैच छूट गया। इसे इतना आसान नहीं कह सकते हैं, डिफिकल्ट कैच था लेकिन हाथों में लगकर टकरा के छूट गया। तेजस ने एक रन लिया है, अभी तक तीन बॉल हुए हैं ये पार प्ले के, लास्ट तीन बॉल बाकी है पार प्ले के। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग आदित्य बाफना की, हर एक डॉट बॉल प्रेशर लाएगा। अच्छा प्लेस किया था बॉल लेकिन फील्डर मौजूद और एक ही रन लेके संतुष्ट हो गए। बेदी सर शायद पेशवा भूल गए, ये पार प्ले लिया है उन्होंने, एक एक रन बटोर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लास्ट बॉल ये पार प्ले का बाकी है, लास्ट बॉल तेजस स्ट्राइक पे। और ये डॉट बॉल, बढ़िया बॉलिंग मनोज की यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ पार प्ले में तीन ही रन दिए। सही बोला गया था कि मूर्ति लहान कीर्ति महान, मनोज ने दिखा दिया है। और राहिल का वो कैच ड्रॉप था, पांच ओवर के बाद स्कोर हुआ है 26 रन चार विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर 26 रन चार विकेट, 63 रन चाहिए जीतने के लिए। दिल्ली बहुत दूर है, अब बहुत ही संघर्ष करना होगा इनको, पेशवा को, अगर ये मैच जीतना है तो। नए बॉलर, बहुत धुआंधार बैटिंग करनी पड़ेगी। और क्रिकेट में कहते हैं आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, एक बार मियां दाद ने आखिरी बॉल में सिक्सर लगा दिया था और पाकिस्तान जीत गया था। और ये बढ़िया शॉट स्ट्रोक और ये कैच होम डिलीवरी, बहुत ही अच्छी कैच शेखर की यहाँ पे, सीधा फील्डर के गोदी में होम डिलीवरी दे दिया, फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइन की तरफ और ये आउट हो गए। महेश ने यहाँ पे कैच दे दिया शेखर को, राहिल की पहली गेंद पे विकेट, शायद राहिल ने जो कैच छोड़ा था उसका बदला ले लिया है। नए बैट्समैन प्रीतम, भाई प्रीतम आए हैं, बहुत ही प्रीत भरी प्रीतम से खेलेंगे। डॉट बॉल, प्रीतम बहुत ही बढ़िया नाम है और प्रीतम का असली अर्थ है लोगों से प्रीत बनाए रखना। और ये शानदार शॉट थी लेकिन बहुत हल्की सी शॉट, फील्डर के बेस्ट फील्डिंग बाउंड्री लाइन की तरफ और शायद दौड़कर दो रन ले लिए, सिर्फ एक रन, एक रन, एक रन हासिल हुआ। तेजस के बल्ले से निकलता हुआ एक रन, राहिल की चौथी गेंद, ओहो बहुत बढ़िया पासिंग बॉल की, राहिल कलेक्ट कर नहीं पाए, माही का बाजू इतना बुलेट की तरह भागते हुए दौड़ के पहुंच गए। एक रन चुरा लिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार और ये विकेट, ये शायद जैसे एक्शन रिप्ले था, सेम बॉलर सेम फील्डर, शेखर अलग ही अंदाज में मुस्कुराते हुए। फिर से इसे कहते हैं होम डिलीवरी, भाई ये होम डिलीवरी का चक्कर बंद होना चाहिए। तेजस जो अभी तक टिके थे वो अपना विकेट खो चुके हैं। तेजस ने निजी स्कोर 11 रन बनाया जो हाईएस्ट है पेशवा का अभी तक का। लास्ट बॉल बाकी है ये ओवर की, जॉनसन साहब आए हैं मैदान में, कप्तान साहब आदव कप्तान है जो जॉनसन,
नॉन स्ट्राइक एंड पे है, देखते हैं क्या करते हैं जॉनसन। कैप्टन है भाई, कैप पहनी हुई है। डॉट बॉल, विश्वास को काफी इसी के साथ रिहर्सल करना पड़ेगा। इसी के साथ 6 ओवर हो चुके हैं और स्कोर हुआ है 28-6। आफ्टर 6 ओवर्स द स्कोर इज 28-6। लास्ट ओवर ये इनिंग की, ये मैच की बाकी है। 61 रन चाहिए, नो बॉल और छक्कों की बरसात होनी चाहिए तो ही मैच जीत पाएंगे। 6 ओवर 28 रन, 6 विकेट खोकर, 6 ओवर 28 रन, 6 विकेट खोकर। अभी हम 60 रन का लंबा सफर तय करना है और मुश्किल में है पुना पेशवा। बढ़िया शॉट थी, अच्छा स्ट्रोक गैप में, लेकिन फील्डर ने भागते हुए मनोज ने पकड़ा और एक रन लेने से नहीं चुक पाए जॉनसन भाई। सेवा चैलेंजर्स की फील्डिंग को मान गए, बहुत ही अटैकिंग फील्ड है और कोई कैच छोड़ते नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर, करते नहीं, हटकर की मैं ले लिया। दो कैच छोड़ दिए सेवा चैलेंजर्स ने, पर मैं बोलूंगा विकेट कीपिंग काबिले तारीफ। आदित्य के हाथों से कभी बॉल छूट ही नहीं सकता, इतने बढ़िया विकेट कीपर हैं, शानदार विकेट कीपर हैं। और ये शॉट और ये उछले बड़ी अपील बापना और आउट की अपील और आउट हो गए। प्रीतम अपना विकेट खोते हुए, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे आदित्य सर का, आदित्य सर ने लिया हुआ कैच, आदित्य सर ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। इसे कहते हैं गुड विकेट कीपिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट विकेट कीपिंग भाई, मानना पड़ेगा उनकी विकेट कीपिंग को। बहुत ही कम देखने को मिलता है बीपीएल मैचेस में ऐसी अच्छी विकेट कीपिंग। ओ बैलेंस हिल गया और फिर भी दौड़कर एक रन ले लिया। आदित्य बाफना साहब विकेट छोड़ के भाग के आया आगे के, दूसरा रन लेने नहीं दे और एक ही रन से संतुष्ट। सेकेंड लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर ऑफ दिस इनिंग ऑफ दिस मैच, अभी तक स्कोर हुआ है 30 रन 30। बहुत टिका टिका के हटकर जी बोल रहे हैं, बहुत जोरदार बोल रहे हैं। हवा में बल्ला घुमा दिया और बहुत ही पीछे बढ़िया विकेट कीपिंग आदित्य की, फिर से एक बार भाई मिसाल है आदित्य बाफना की, मानना पड़ेगा कि बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग होती है। बैट्समैन को बॉल दिखता नहीं है लेकिन वो पकड़ लेते हैं पीछे से। लास्ट बॉल वेरी गुड विकेट कीपिंग, एक्सीलेंट विकेट कीपिंग। और यहां समाप्त हुआ आज का खेल पूना पेशवा का। स्कोर बताइए जी। 30 रन 7 विकेट के नुकसान में और यहां पे चैलेंजर्स जो सेकेंड बीपीएल सीजन के